महायुतीचे उमेदवार राहुल शेवाळे यांनी पदयात्रेच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधलाय. दक्षिण मध्य मुंबईचे महायुतीचे उमेदवार राहुल शेवाळे यांनी आज मंगळवारी निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ ढोल ताशांच्या गजरात केलाय. यावेळी राहुल शेवाळे यांनी थेट जनतेशी संवाद साधलाय. या प्रचारामध्ये त्यांच्या कार्यकर्त्यांचाही उत्साह मोठ्या प्रमाणात दिसून आलाय. रामदास आठवले त्यांना तिकीट मिळालेलं नाही आहे, तर तुम्ही त्यांची भेट घेतला, त्यांच्या म्हणणं काय काय नाही? आपण कालच्या कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. काल रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले साहेबांनी स्वतः या सायन विभागामध्ये माझ्या प्रचाराचा शुभारंभ काल त्यांनी केलेला आहे आणि त्यांनी आशीर्वाद दिलेला आहे, त्यामुळे तो आता प्रश्न नाही आहे. यापूर्वी पण त्यांनी आशीर्वाद दिलेला आहे, आजही दिलेला आहे आणि भविष्यात पण देणार आहेत. शिवसेना भाजपा RPIची युती या ठिकाणी भक्कम अशी युती आहेत आणि सर्व कार्यकर्ते एकत्रपणे विजयासाठी काम करत आहेत. हिंदी सर, क्या बताएंगे, आज आपका पहला प्रचार फेरी का दिन है और कितना प्रतिसाद मिला लोगों के बीच? आज शिवसेना भाजपा RPI के प्रत्याशी के नाते प्रचार फेरी का हमारा पहला दिन है और पहले दिन ही आप देख रहे हैं कि शिवसेना भाजपा RPI के कार्यकर्ते यहाँ पे भारी संख्या में उपस्थित है और लोगों का भी उत्साह है, लोगों का प्रतिसाद भी अच्छा है और लोगों ने एक संकल्प किया है कि इस देश को सुरक्षित रखना है, देश परिवार को सुरक्षित रखना है, तो देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार आनी चाहिए. तो NDA के सभी पक्ष के सभी जो जो उम्मीदवार है उनको लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोग खुद होके सपोर्ट कर रहे हैं और देश में एक अलग माहौल बना हुआ है. लोग अभी भाषा प्रांत जात धर्म भूल के देश के लिए एक हुए, देश हित के लिए एक हुए और देश हित उनको पता है कि NDA सरकार आएगी तो ही देश हित यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा और मजबूत सरकार आने के बाद देश सुरक्षित रहेगा. जनता के बीच में आप जा रहे हैं, लेकिन आप अपने किन कामों को, 5 साल आपने यहाँ पे खासदार रहे हैं फिर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो किन किन कामों को लेकर जा रहे हैं, किस तरह से वोट मांगे? जनता के सामने हमने 5 साल के कार्यकाल में जो जो काम किए उसका एक रिपोर्ट हमने जनता को इसके पहले ही दिया हुआ है और जनता को सामने केंद्र सरकार राज्य सरकार महानगर पालिका के माध्यम से जो शिवसेना भाजपा RPI के माध्यम से काम हुए वो लोगों के सामने रखे और लोगों को विश्वास है कि विकास हुआ है. 5 साल में उन्होंने विकास देखा है और वो विश्वास दिखाते हैं और 5 साल के कार्यकाल में सांसद के नाते जो काम किए उसके ऊपर भी विश्वास है, इसके लिए लोगों का प्रतिसाद ज़्यादा मिल रहा है. जीत के आने की कितनी संभावना है? जीत हमारी निश्चित है, लीड कितना है उसके लिए पूरा हम प्रयास कर रहे हैं. ये शिवसेना भाजपा RPI का गढ़ है तो यहाँ पे जीत ही निश्चित है, सिर्फ हम लीड ज़्यादा से ज़्यादा डालने के लिए सब कार्यकर्ता मिलकर प्रयास कर रहे हैं.